रात भर एक बार था, सुबह आया, आज आने के बाद हमारा भांजा है, आज भांजी को भेजा है, देखता तरह कैसा है। हम लोग तो रात भर एक बार था, जाकर मर गया। कल हम लोग 12:30 बजे तक अंतिम संस्कार करके घर में आए। हम लोग आने के बहुत टेंशन में है, आप लोग जाने के बाद ना जाने लोग क्या कर रहेगा, ऐसे कुछ प्रोडक्शन मिले चला जाएगा। चिंता नहीं करनी, मैं आया हूँ, हमेशा मेरा फोन नंबर आप रखो अपने पास, और हम आपके साथ पूरी लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम मोड़ तक लड़ेंगे। ये जो ममता जी की ये गुंडागर्दी है ना, इसको प्रजातांत्रिक तरीके से हम हटा करके रहेंगे। ये बंगाली मानुष की रक्षा है, ये बंगाल की सभ्यता है। आप बताओ, बंगाल की माँ, आपकी माता जी, और बोलती है बंगाल की बेटी है, चिंता मत करिए आप हमारे साथ। कॉर्बन तुम चिंता करो, हमारा महाभक्त है, शहीद हो गया, हम सब उनके साथ। चिंता करो ना, देख लीजिए आप ममता जी का, ममता जी की गुंडागर्दी देखिए। ये ममता जी के टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने शोभा जी के साथ जो किया है, वो बताता है कि आम आदमी की चीख पुकार का ध्यान उन्होंने क्या रखा है और कितना रखा है। वो बंगाल की सत्ता पर, बंगाल के लोगों को रक्त रंजित करके शासन में बैठने की योजना, और शासन में बैठ करके रक्त रंजित बंगाल बनाने की योजना भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है, भर्त्सना करती है। आपने अभी सुना लोगों को, शोभा मंडल के परिवार के हमारे, उनके कमल जी, उनके बेटे, उनके बड़े बड़े बेटे, बहू, सबको उन्होंने मारा, बेटी को मारा, बच्चों को मारा। इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की घटनाएं ये निंदनीय है, और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता शोभा जी के परिवार के साथ, कमल जी के परिवार के साथ खड़ी है। हमने इनको कहा है कि सुरक्षा और सबको सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, आपका ये अधिकार हम स्थापित करके रहेंगे। नेता जी, हम लोग चुनाव से नाम ले रहा हूँ, शोभा जी का कहानी सुना है, वो एक माता था, चुनाव के पहले जनता में एक सभा रानी जी क्या बोले, दुखदायी बात है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। चुनाव के पहले भी मैंने कहा, तानाशाही, तुष्टिकरण, टोलाबाजी, और यही आज जैसे ही वो सब, जैसे ही उनको सत्ता मिलने की नौबत आई, उससे पहले शाम ढलते ढलते ये घटना घट गई है। ये बताता है ममता जी के पार्टी का चरित्र, और प्रजातांत्रिक तरीके से इस राजनीतिक हिंसा को नस्तो नाबूद करने के लिए हम कृतसंकल्प हैं।